अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हम लोगों को, हाँ गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, प्लेइंग विथ नंबर। हम लोगों के नंबर के साथ प्लेइंग करना है, ठीक है ना? अच्छा बेटा रीड करिएगा अपनी। हाँ हाँ बेटा, बोली बोली। हाँ बेटा बोली, नवजोत को ज्वाइन करो अपनी बेटा। ठीक है गुड। अच्छा ठीक, कर लिया होगा उसने। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 22A का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है बेटा? देखिए बेटा, देखिए, दो डिजिट का सम क्या है बेटा? 9 है। देखो हमें ये बताओ, जैसे दो डिजिट के नंबर कैसे होते हैं, जैसे 23, 47 ऐसे होते हैं ना? हाँ ऐसे ही होते ना, 69 ऐसे ही होते हैं। तो बेटा मैं 1 से डिजिट को एक्स मानता हूं और 10 से डिजिट को वाई मानता हूं। 1 से डिजिट को मैं क्या मानता हूं? एक्स। और 10 डिजिट को क्या मानता हूं? बाई। ठीक है ना? बंस क्या कहलाता है बेटा? जो यूनिट, यूनिट मतलब स्टार्टिंग में आए, जो पहले आए, ठीक है ना? तो लेट वंस डिजिट डिजिट इक्वल टू एक्स और 10 डिजिट इक्वल टू बाय। अब बोले दोनों डिजिट का फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? दोनों डिजिट का सम, हाँ 9, 9। ठीक है ये लिख दिया हमने 9, ठीक है ना? नंबर इज 6 टाइम द यूनिट डिजिट, जो नंबर। अच्छा बेटा हम, मुझे ही बताओ, ये 69 एक नंबर है ना? 69 नंबर, क्या नंबर को तुम 6 × 10 + 9 लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो? सेकंड कंडीशन में बोल रहा है जो नंबर है वो यूनिट डिजिट का, इसको वंस डिजिट की जगह यूनिट डिजिट बोल दो, है ना? यूनिट डिजिट का 6 टाइम्स है, यूनिट डिजिट। तो बेटा नंबर क्या है? नंबर क्या होगा? देखो मैंने 10th डिजिट को बाई माना, तो नंबर में होगा 10 × 2 + x। जैसे मैंने इसमें क्या किया था, 10 × 6 + 9 किया था, वैसे इधर क्या हो जाएगा? 10 × y + x होगा, क्योंकि 10th डिजिट को क्या है, नंबर कैसा है तुम्हारा? वाई एक्स है। 10th पे वाई है और बंस पे क्या है? एक्स है। बंस डिजिट यूनिट डिजिट पर एक्स है और 10th डिजिट पर वाई है, तो इसको लिख कैसे सकते हो? 10y + x ही लिखोगे ना? अब यह करके बताया, जैसे अगर 69 कोई नंबर है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 6 × 10 + 9 लिखोगे, इक्वल टू 6 × यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा? 10y = 6x में से x माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इस साइड माइनस, 10y = 5x।
टेन वाई इक्वल टू क्या आया, 5x। मैं इधर कर रहा हूं बेटा ऊपर की ओर, ध्यान से देखना। अवनी अवनी तुम ऐसा करो बेटा, शिवांश को बना दो तुम, है ना, शिवांश को तुम क्या बना दो, एडमिन बना दो, ठीक है। अवनी देखिए, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा क्या आया, 10y = 5x आया। इफ 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो तुम्हारा 2y = क्या हो जाएगा, x। 10 और 5 को मैंने कैंसिल कर दिया तो x की जगह क्या आ गया, 2y। x की जगह क्या आ गया, 2y आ गया। इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। बेटा मैं x की वैल्यू फर्स्ट में रख रहा हूं, x की जो वैल्यू है वो किस में रख रहा हूं, फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 था और एक्स की वैल्यू क्या है, 2y। 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y। 3 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। y की वैल्यू कितनी आ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ वाई वाई इन सेकेंड, सेकेंड में रख रहा हूं, 2y = x। तो 2 × 3 = x, 6 = x। x की वैल्यू कितनी आई, 6। नंबर क्या बन जाएगा आपका, नंबर ए ऐसा है ना, वाई एक्स, यूनिट डिजिट को एक्स माना था, टेंस डिजिट को वाई, तो वाई कितना आया था, 36 आंसर आ गया। समझिए आप, देखो समझने की कोशिश करो, ये थोड़े टिपिकल है, ये 10th क्लास में भी आएंगे, है ना, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी आएंगे, तो समझने की वो करिए आप। यूनिट डिजिट क्या है, एक्स। टेंस डिजिट क्या है, बाई। कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट का सम 9 है। सेकंड कंडीशन बोला है, नंबर है वो 6 टाइम्स है यूनिट डिजिट का, ये प्लस में था उस साइड माइनस में चला गया, ये वाली कंडीशन आ गई। फिर मैंने एक्स की वैल्यू इसमें रख दी तो वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू फिर मैं इसमें रख दी तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर नंबर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ देखिए, अब नहीं, आपने वर्क सेंड करना, अब 2-3 दिन वर्क सेंड किया, अब कल नहीं किया था आपने वर्क। अच्छा, हाँ ठीक, करो। देखिए शिवांश ने तो सेंड करना बंद ही कर दिया। हाँ देखिए, सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। ये भी वैसे ही है, तो लेट यूनिट डिजिट क्या मानेंगे, एक्स। टेंस डिजिट क्या मानेंगे, बाई। फर्स्ट कंडीशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इंक्रीज बाय थ्री इक्वल फोर टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के फोर टाइम्स से जो नया नंबर है, न्यू नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर का फोर इंटू ओरिजिनल नंबर कर दें, फोर इंटू ओरिजिनल नंबर कर दें, तो ये न्यू नंबर थ्री से इंक्रीज हो जाएगा। ये है बेटा कंडीशन, कंडीशन ये बोल रहा है कि नया नंबर जो है वो फोर टाइम्स, अगर ओरिजिनल नंबर का फोर टाइम्स कर दें तो वो थ्री टाइम थ्री बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? थ्री। अब देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें ये बताइए बेटा, अगर कोई नंबर 63 है तो उसको आप 6 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हो। तो मैं ओरिजिनल नंबर की जगह क्या लिख दे रहा हूं, 10 वाई प्लस एक्स, क्योंकि 10th डिजिट को आपने वाई माना था और 1th डिजिट को आपने एक्स माना था। और अगर बेटा जब 63 को तुम पलट, हाँ बेटा बोलो, नहीं ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो, है ना, अगर ऐसा है तो, अगर मान लो बेटा ये 63 को मैं पलटा दूं 36 बन जाए, तो फिर 36 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 10, तो न्यू नंबर की जगह क्या आएगा, न्यू नंबर क्या है, पलटा हुआ नंबर, या इसको रिवर्स नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रिवर्स नंबर, क्योंकि ये पलटा हुआ वाला नंबर है। पलटा हुआ नंबर इधर 10y प्लस x है, तो इधर हो जाएगा 10x प्लस y। पलटे हुए नंबर में बेटा देखो, आप इस 63 को 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 नहीं लिख सकते हो 63 को, वैसे है ना, उसी वजह से आया हूं। अब देखो 10x प्लस वाई, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 40y प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये आया। अब हम xx इधर ले जाते हैं, 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 40y इक्वल टू 3। इधर बचा बेटा 6x, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 40 में से 1 गया तो 39 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, इक्वल टू 3। क्लास टेंथ में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, है ना। हाँ, अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस 13y। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ जाइए, आ जाइए,
आवाज आ रही है मेरी? बेटा मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंचा दिया, तो इधर क्या बचेगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 3/3, तो इधर बचेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है ना, आया बेटा समझ में? क्या मैं इधर x की वैल्यू, ये प्लस का बाई है तो मैं इसको 7 - बाई रख सकता हूं, रख सकता हूं बोलो। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x, क्या आ जाएगा? 2 7 - 3y = 1। 2 7 = 14 - 2y - 3y = 1। 14 - 5y = 1। बेटा ये मैं कुछ मिस्टेक हो रहा है मुझे, क्या नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं पर। कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट बेटा। कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट बेटा मुझे देख लेने दो क्या मिस्टेक हो रहा है। इफ द रिवर्स एंड रिवर्स दैट इज द न्यू नंबर इंक्रीज बाय 3, फोर टाइम द ओरिजिनल नंबर, थ्री द न्यू नंबर इंक्रीज बाय 3, फोर टाइम द, बेटा इधर 3 - इधर 3 माइनस, एक मिनट, 3 इधर माइनस में आएगा। अगर 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स कर दिया जाए तो ये 3 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स करें तो ये 3 बढ़ जाएगा, ओरिजिनल नंबर से 3 बड़ा आ जाएगा, मतलब 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर उस, है ना? हाँ, तो इनको एक मिनट, इधर माइनस करना पड़ेगा, इधर ये माइनस कर दे, -3 - 3 - 3 - 3 - 1, है ना? इधर -1 - 1। हाँ, अब ये 14 में उस साइड पहुंचा दे रहा हूं, -5 - -1 - 14, -5 - का 50, माइनस से माइनस कट जाएगा, ए माइनस -15 - -5 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3, वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे तो x इक्वल टू
सेवन माइनस वाई था तो एक्स इक्वल टू सेवन माइनस थ्री तो एक्स इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर। फिर बेटा सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में, इसके बाद नंबर क्या हो, नंबर हमने क्या माना था बाई एक्स माना था ना, बाई एक्स क्या आया, कुछ गलत हो रहा है बेटा मुझे न जाने कुछ, एक मिनट।